Good morning. Good morning. Thank you. I am Savita. और मुझे इस बिजनेस में मेरे अपलाइन जो अभी आए थे वो सिर्फ सेम मेरा भी वही सिचुएशन वही घर वही प्रॉब्लम सिर्फ प्रॉब्लम्स पे फोकस सिर्फ एक चेंज के लिए मेरे अपलाइन मेरे को लेके आए वो मेरी जठानी है वैसे रिलेशन में कि सविता एक बार चल और सुन ले सुनी सर की एक लाइन थी उसमें कर दिखाओ कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आप जैसा कोई प्लान समझ में नहीं आया कुछ समझ में नहीं आया सिर्फ एक लाइन समझ में आई बस तब ठान लिया मैंने वो पल्लू लेके बैठना वो प्रॉब्लम्स मेरी सास ये बोल रही है मेरे ये कर रहे हैं वो सब फोकस हटाया वो लाइन पे ध्यान दी और वो लाइन के साथ मैंने ये ज्वाइन कर लिया जीरो नॉलेज माया मैम मिले भगवान अंकल बेटा 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 मैंने बोला यार मेरे घर में नहीं बोलते लेकिन यहाँ एक फैमिली मिल गई मेरे को बहन मेरे जेठानी जो जेठानी थे बट अब वो सब खत्म फिर सर को सुना सर मुझे समझाया सर के पास मैं प्रॉब्लम लेके गई सर के पास प्रॉब्लम लेके गई सर हम दोनों एक ही फैमिली से हैं हम करेंगे कैसे तो बोले ये प्रॉब्लम नहीं ये तो सॉल्यूशन है जब भी मैं प्रॉब्लम लेके गई सर उसको सॉल्यूशन में क्रिएट किया तब समझ में आया कि हाँ नेगेटिविटी नहीं है सारी नेगेटिविटी साइड में हटी पॉजिटिव हुई और साल भर में मतलब जो एक लेडी डरी हुई कुछ बोल नहीं सकती आज वो बोलना सीख गई मतलब मेरा एक सपना था मैं संदीप महेश्वरी को काफ़ी सुनती हूँ सिर्फ उसको सुन के सोचती थी कभी एक दिन मैं भी बोलूँगी लोग मेरे लिए भी तालियां मारेंगे जो सोचते हैं वो होता है पर बस है सोचने की हिम्मत करो ये मैंने सोचा कि सर से सीखा तुम सोचने की हिम्मत तो करो कभी मैंने लाइफ में 500 रुपए नहीं कमाए थे जब पहला चेक मेरा 800 का था बस लाइक लिटरली रो रही थी मैं सर के पास नहीं सर बोल रहे भाई तू रो मत मतलब तुम रो मत रोते रोते बाहर जाओगे लोग क्या कहेंगे वैसे फिर धीरे 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 मुझे समझ में आया और मेरा हाईएस्ट चेक 25,000 आज मैं सिल्वर डायरेक्टर हूँ एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी बस इसी में सिर्फ इतना ही है बैक टू बेसिक प्लान दिखाओ आगे बढ़ो इतना छोटा सा रास्ता है जो करोड़ों तक पहुँचाता है लोग यहाँ पे करोड़ों कमा रहे हैं और हम 25,000 के लिए नौकरी में खड़े रहते हैं दिन रात वेट करते हैं दो दिन की छुट्टी सोचते हैं यहाँ तो हमको वर्ल्ड टूर मिलता है घर मिलता है हम मर भी जाते हैं तो बच्चों को मिलता है इससे ज़्यादा और क्या चाहिए और किसको मिल सकता है कोई बिजनेस में नहीं कोई जॉब में नहीं वेस्टिज एक ही ऐसी कंपनी है मैंने लाइफ में कोई जॉब नहीं किया कोई बिजनेस नहीं किया शायद ऊपर वाले ने मुझे इतना वेट भी इसीलिए कराया ताकि मैं सही जगह पहुँच सकूँ इतने प्रॉब्लम्स आज वो प्रॉब्लम नहीं लगते ऐसे लगता छोटी सी तो बात है इसको इग्नोर करो आगे बढ़ो बस यही एक सक्सेस का रास्ता है सारे प्रॉब्लम साइड में रखो